हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा एक नई स्टेटमेंट आई है, जो आपको पता ही हमेशा एक ही बात होती है कि हाँ एक नया फ्रेमवर्क बन रहा है, G20 में बात हो रही है, इसी के साथ साथ क्या है कि ये क्रिप्टो करेंसीज को करेंसीज नहीं मानेंगे, बस यहीं तक बात है। लेकिन हम यहाँ पे जो वीडियो शुरुआत करने वाले हैं वो हम करेंगे हमारे ज़ेप्पे वाले वीडियो से, जिसमें हमने बताया था कि ज़ेप्पे किस तरीके से स्कैम कर रहे हैं। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये बात जो है और भी ज़्यादा आगे कुछ और लोगों तक पहुँचे, कुछ हो सकता है अथॉरिटीज तक पहुँचे कि आपको पता है कि ज़ेप्पे स्कैम कर रहे हैं। यहाँ पे ज़ेप्पे की बात ही नहीं है, बल्कि अगर हम वज़ीरएक्स जैसी और भी अच्छी एक्सचेंजेस की बात करें तो उनके ऊपर भी कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे कि हमारी रेफरल इनकम नहीं आ रही है। वज़ीरएक्स के ऊपर रेफरल इनकम इन्होंने बंद करी हुई है ये बोलकर कि आपको 10,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा का ट्रेड लगाना ही पड़ेगा तभी आपको रेफरल इनकम मिलेगी। लेकिन इतना ट्रेड लगाएंगे तो शायद रेफरल इनकम इतनी बनेगी नहीं जितना इन्होंने TDS से और जो चार्जेस है उससे काट लेने वाले हैं। लेकिन मैं बात यहाँ पे करने वाला ज़ेप्पे की। यहाँ पे मेरे जितने भी यहाँ पे कमेंट्स हैं लगभग सभी पे यही लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रिवॉर्ड जो था ब्रेव का वो उड़ा दिया गया इन्होंने, इन्होंने पूरा पैसा लूट लिया, मेरे डॉज कॉइन थे पूरे खा गए, इसके साथ KYC कंप्लीट किया उसके बाद नहीं किया तो इन्होंने अनइंस्टॉल कर दिया, इंडियन एक्सचेंज को हटाओ ये लोग लुटेरे हैं सब, ज़ेप्पे बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कुछ कमेंट्स मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन कुछ मैं नहीं पढ़ सकता, जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसा भी लिखा है FIR करो, कुछ बोलते साइबर क्राइम पे जाओ, मेरे इन्होंने इतने डॉलर काट लिए, इतने हज़ारों रुपये काट लिए, सब कुछ खत्म कर दिया। तो ऐसे हमारे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर क्यों चल रहा है? इसका मेन रीज़न ये कि एक फ्रेमवर्क नहीं बनाया गया। हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा टैक्सेस लगाए गए, टैक्सेस लगाए गए हैं, टैक्सेस का मतलब क्या है कि क्रिप्टो करेंसीज को एनी हाउ लीगल कर दिया गया है, जिसके ऊपर 30% टैक्स ले रहे हैं, 1% TDS ले रहे हैं। उसी के साथ साथ क्या है कि कुछ एक्सचेंजेस ने अपने कुछ चार्जेस लेना शुरू कर दिए हैं, कुछ ज़ेप्पे जैसे एक्सचेंजेस अपने पैसे काट रही हैं, जिससे क्या है कि हमारा पोर्टफोलियो कितना से कितना हो जाता है। लास्ट जो मेरा वीडियो था उससे आपको बताया था कि मेरा इथेरियम पड़ा था और इथेरियम इन्होंने काट काट के बहुत थोड़ा सा बचाया था, बिल्कुल वैसे जैसे कि बसी ने बोला था कि प्लग चाहिए था, प्लग उनको मिल गया और बचा कुचा जो पूरा वाटर कूलर था वो नीचे फेंक दिया। तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो वॉटवुड ऑफिशियल, आप सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहां पे मैं ऑलरेडी अपडेट्स ये सारी डाल चुका हूं जो मैं अभी वीडियो में डाल रहा हूं। लेकिन हमारे वीडियो में थोड़ा और डिटेल में जाने वाले, लेकिन वहां पे जो पोस्ट डाली वहां पे ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि यहां पे फ्रेमवर्क की बात करी जा रही है। अब पहले ज़ेप्पे की बात करने से पहले आपको यहाँ पे जो न्यूज़ आई है वो बता देता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ भी नया नहीं बोला है, लगभग 1-2 साल हो चुके हैं एक ही बात बोल रहे कि G20 हुआ, G20 में डिस्कशन चल रही है, वहाँ पे ये नया फ्रेमवर्क डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेमवर्क बनाएंगे और ऐसा फ्रेमवर्क बनाएंगे जो कि सारी कंट्रीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सारी कंट्रीज़ के हिसाब से एक नया फ्रेमवर्क बनेगा। लेकिन हमारे इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा क्या करता है, क्रिप्टो करेंसीज या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिप्रेस करता है, यानी कि इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। हमारी वेब 3 की जो डेवलपमेंट चल रही है इंडिया में उनको एक खुलकर काम नहीं करने दे रहे, जिसकी वजह से हमें सिंगापुर या मलेशिया दुबई ऐसी जगहों पे शिफ्ट होना पड़ रहा है, कुछ लोग हो सकता है कि एल साल्वाडोर जैसी कंट्रीज में भी शिफ्ट हो जहां पे उन्होंने टैक्सेस बिल्कुल खत्म कर दिए। तो हम तो टैक्सेस की बात कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी कंट्रीज भी जहां पे क्रिप्टो करेंसीज को वैलिड माना जा रहा है, वहां पे एज ए करेंसीज मानकर चल रहे हैं, वहां पे हम क्रिप्टो करेंसी के द्वारा पेमेंट्स कर सकते हैं या फिर परचेज शॉपिंग कुछ भी कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। अब इनके द्वारा जो स्टेटमेंट आई है वो सिर्फ यही है कि पोजीशन ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट दैट क्रिप्टो एसेट्स कैनॉट बी करेंसीज, ये हमें भी पता, ये नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि ये कर ही नहीं सकते, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को ये हैंडल कर ही नहीं सकते, इट्स वेरी न्यू फॉर दिस ओल्ड इंडियन गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स की राय नहीं ली जा रही है। अगर ये वेब 3 जो डेवलपर्स हैं या फिर जो कंपनीज हैं उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली ये टेक्नोलॉजी को भी समझ पाएंगे और क्रिप्टो करेंसीज की यूजेज क्या है, सही तरीके से यूज कैसे हो सकती है उसको भी समझ पाएंगे। लेकिन इन्होंने बात यहाँ ये भी कही है, क्रिप्टो एसेट्स कैन बी यूज फॉर ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, प्रॉफिट मेकिंग एंड वेरियस अदर पर्पसेस, यानी कि बाकी जो हमें पता है जो एक्चुअल चीज़ है हम ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेशन करते हैं, प्रॉफिट मेकिंग के लिए करते हैं या फिर अदर पर्पसेस में आ जाता है कि हम ट्रांसफर्स करते हैं या पेमेंट्स करते हैं या फिर पैसा एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो जहाँ पे हमारे जो चार्जेस हैं बहुत कम लगते हैं, घर बैठे बैठे भेज सकते हैं, तो ये सब कुछ सारे पर्पसेस में आ जाते हैं जो कि हमारे एक्चुअल सोल्यूशन है, हमारे एक्चुअल पर्पसेस जो डेली बेसिस पर हम यूज़ कर रहे हैं। अब बात इन्होंने वही रिपीट करी है कि इंडिया हैज़ रेज द इश्यू ऑफ क्रिप्टो रेगुलेशन विद G20, जो कि बहुत समय से करते आ रहे, कोई नई बात नहीं है, और एक्सप्रेसिंग दैट देयर विल बी सम फ्रेमवर्क इमर्जिंग, वो हमें पता है, पहले ही बोल चुके हैं कि एक नया फ्रेमवर्क आएगा जो कि पूरी कंट्रीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इन्होंने बोला कि क्रिप्टो इज एन एसेट क्रिएटेड फॉर स्पेकुलेशन फॉर ट्रेडिंग और फॉर वट एवर पर्पसेज, यानी कि इसको सिर्फ ट्रेडिंग के लिए रखा गया या फिर प्रॉफिट मेकिंग के लिए रखा गया, लेकिन इट इज़ स्टिल अनरेगुलेटेड इन इंडिया, कि ये अनरेगुलेटेड है। अब अनरेगुलेटेड बोलते हुए इनको ये भी याद आना चाहिए, फिर आप पैसा क्यों काट रहे हो हमारा, 30% टैक्सेस क्यों लेना चाहते हो, 1% TDS क्यों काट रहे हो, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। और इसी की वजह से अभी क्या है कि हमारे इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर जो क्रिप्टो का एक वॉल्यूम होना चाहिए था, जो बहुत ही बड़ा वॉल्यूम था, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर हम वज़ीरएक्स एक्सचेंज के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे बहुत ही कम वॉल्यूम है। आप देखोगे BTC का वॉल्यूम वज़ीरएक्स एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ 4.7 BTC है, ये कितने ही है आप खुद सोचिए, सिर्फ
इसको मैं 5 भी नहीं बोल सकता, 4.5 बोल रहा हूँ। 4.5 BTC का वॉल्यूम है हमारी वजीरेक्स, जो कि हमारी इंडियन एक्सचेंज है और जो सबसे बड़ी एक्सचेंज हुआ करती थी एक समय पे। तो ये मैंने आपको INR पेयर बताया था। अब इसी के साथ अगर हम BTC USDT का पेयर देखते हैं तो 0.76 का वॉल्यूम है। तो आप खुद सोचिए कितना कम वॉल्यूम है हमारी बेस्ट एक्सचेंज के ऊपर। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, गवर्नमेंट ही है, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं करने दे रही है ना एक्सचेंजेस को, ना ही हमें प्रॉफिट बनाने दे रही है, जिसकी वजह से ना प्रॉफिट बन रहा है, ना ही कोई टैक्सेस पे कर रहा है और ना ही यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है। प्रॉफिट बनेगा, इंडिया में ही खर्च होने वाला है प्रॉफिट। तो उससे क्या है कि इंडिया में, इंडिया की इकॉनमी, इंडिया की GDP ही बढ़ने वाली है, लेकिन ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हमारी इंडियन गवर्नमेंट को। अब चलते हैं वापस ज़ेप्पे वाली बात पे। तो ज़ेप्पे आपको बोल रहा था कि यहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, आपको बताया कि यहाँ पे पैसा वो काटते रहते हैं, वो कहते हैं कि आपको एक ट्रेड लगाना ही पड़ेगा, अगर आप ट्रेड नहीं लगाते हो इतने अमाउंट का तो आपको क्या है कि आपका पैसा काट लिया जाएगा, आपका इतना अमाउंट कटेगा ही कटेगा। तो अगर आपने गलती से वहाँ पे पैसा रखा हुआ है, किसी भी फॉर्म में रखा हुआ, तो उसको किसी ना किसी हिसाब से बाहर निकाल लो, चाहे विड्रॉल चार्जेस लग रहे हैं, कुछ भी लग रहा है, जितना भी लग रहा है अमाउंट, उतना अमाउंट लगाकर एटलीस्ट ज़ेप्पे से बाहर निकालो। उसके बाद कहाँ डालना है ये आप बाद में सोच लेना, क्योंकि निकालने के बाद आप अपने किसी एक नॉर्मल वॉलेट में भी डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि वो आपने एक्सचेंज पर के ऊपर ही रखना है। अब यहाँ पे एक और कमेंट लिखा हुआ, आई हैड 5K वर्थ ऑफ क्रिप्टो एंड दैट वैनिश्ड एज़ ए चार्ज फीस पर मंथ लाइक यू मेंशन। तो इन्होंने ये किया है। तो जब मैंने ये वीडियो डाला था, मुझे पता था कि शायद मेरे साथ ही हुआ है या फिर लोगों को नहीं पता कि ज़ेप्पे के साथ स्कैम चल रहा है, लेकिन आज के दिन मैं देखूँ तो यहाँ पे इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं एंड व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे व्यूज से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो हम अवेयरनेस फैला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हो सकता है इसका कभी सोल्यूशन भी नहीं निकलेगा। एक कमेंट यहाँ लिखा हुआ है, साला तभी सोचा कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है, अभी मालूम चला। तो किसी को नहीं पता था कि पैसा कहाँ काट रहे हैं, क्योंकि मैंने मेल करके पूछा, मेरे पास मेल्स भी पड़े हैं, हमारा लास्ट वीडियो देखोगे तो वहाँ पे मैंने मेल्स के द्वारा आपको हर एक चीज़ बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से पैसा काट रहे हैं। तो ये तो ज़ेप्पे की बात करी है मैंने, लेकिन बहुत सारी ऐसी एक्सचेंजेस हैं। अब मैंने वजीरेक्स का आपको ये बताया कि ये हमारा जो रेफरल इनकम बन रही है, वी रेफरल इनकम नहीं देना चाह रहे, बोल रहे कि आपको ट्रेड करना पड़ेगा। अगर ट्रेड करते हैं 10,000 का या फिर जितना भी अमाउंट उन्होंने बोला है उतना ट्रेड करेंगे, तो आप खुद सोचिए कि उसके ऊपर जो 0.2% फीस लग जाएगी, 1% TDS लग जाएगा, तो वो हम कैसे पे करेंगे। तो हमारे इन चार्जेस के चक्कर में ही जो अमाउंट अगर बनना था या फिर अगर कोई प्रॉफिट हो सकता था, कुछ पॉसिबिलिटी होती वो भी स्पॉट में, तो शायद वो इसी तरीके से कट जाता, क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर्स ट्रेडिंग है नहीं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग ना होने की वजह से क्या है कि हमारा जो प्रॉफिट बनना था वो बनेगा नहीं, उल्टा हम चार्जेस पे करेंगे। तो डेफिनेटली इसका एक सोल्यूशन भी निकाला है हमारे जो निशल शेट्टी हैं, उन्होंने सोल्यूशन भी निकाला PI42.com के नाम से, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ पे क्या है कि आप इस एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिसके ऊपर 1% TDS भी नहीं लगेगा, 30% जो टैक्स है वो भी नहीं लगने वाला और फ्लैट टैक्स नहीं लगने वाला, 10x टू 20x लेवरेज मिलेगी और लॉसेस को भी आप ऑफसेट कर पाओगे। अब यहाँ पे जो मैंने बोला है कि आप यहाँ पे टैक्स नहीं पे करोगे, TDS नहीं पे करोगे, तो इसके साथ साथ जो बड़ा आपको फायदा होने वाला है वो ये कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग करोगे, यहाँ पे लेवरेज लेकर जब ट्रेडिंग करोगे तो उससे क्या कि आपका प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होने वाला है, जो कि अगर आप स्पॉट में करते हो, फॉर एग्जाम्पल हम दोबारा से ज़ेप्पे की बात कर लेते हैं, स्पॉट में वहाँ पड़े तो हमें कितना ही प्रॉफिट हो जाएगा, कितना ही प्रॉफिट होगा कि अगर चार्जेस इतना काट लेंगे और हमारा पड़े पड़े पैसे कट जाएगा। तो ये मैंने आप तक अवेयरनेस और फैलानी थी, लेकिन आप अगर ज़ेप्पे के ऊपर अगेन एक थोड़ा और डिटेल वीडियो चाहते हैं, क्योंकि इनके कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, तो आप मुझे कमेंट करो, चाहे वो ज़ेरेक्स की बात करें, चाहे यहाँ पे ज़ेप्पे की बात करें, कॉइन DCX की बात करें, इंडियन एक्सचेंजेस सारी की बात करें, तो वो मैं डिटेल में लेकर आऊँगा। और क्यों हम फॉरेन एक्सचेंजेस ही यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट आई थिंक उसका एक सोल्यूशन तो मिल ही चुका है कि आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग PI42 के ऊपर कर सकते हो, एंड डेफिनेटली उसके ऊपर साइन अप जरूर करना, क्योंकि यही एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, इंडिया में होगा और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर होगा, तो थोड़ा फायदा ये रहता है कि इंडियन के एक्सचेंज के ऊपर होने की वजह से आप यहाँ पे इजीली ट्रांजैक्ट कर सकते हो अपने INR या फिर डिपॉजिट एंड विड्रॉल जो है इजीली कर सकते हो। तो कोई डाउट हो नीचे कमेंट करो। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ कमेंट करें, अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है जो मैंने आपको बताया था तो वो भी नीचे कमेंट करें, एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। धन्यवाद।